सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्यूब वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले। दोस्तों, गांव देहात की अपनी खूबसूरती होती है, हालांकि देहाती जिंदगी शहरी रहन सहन के मुकाबले में नहीं टिकती, क्योंकि वहाँ शहरों जैसी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, इसलिए लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर भागते हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के एक ऐसे गांव की सैर पर ले चलेंगे जो जमीन की सतह से 3000 फीट नीचे आबाद है। अमेरिका की मशहूर ग्रैंड कैनियन को देखने के लिए दुनिया भर से करीब 55 लाख लोग एरिजोना आते हैं, मगर इसी में से एक गहरी खाई हवासु कैनियन के पास सुपाई नाम का एक बहुत ही पुराना गांव बसा हुआ है। यहां की कुल आबादी 208 है। ये गांव जमीन के सतह पर नहीं बल्कि ग्रैंड कैनियन के भीतर करीब 3000 फीट की गहराई पर बसा है। पूरे अमेरिका में ये इकलौता ऐसा गांव है जहां आज भी खतों को लाने और ले जाने में लंबा वक्त लगता है। मिर्जा गालिब के दौर की तरह यहां आज भी लोगों के खत खच्चर पर लाद कर गांव तक पहुंचाए जाते हैं। खत ले जाने के लिए खच्चर गाड़ी का इस्तेमाल कब शुरू हुआ यकीनी तौर पर कहना बहुत मुश्किल है। खच्चर गाड़ी पर यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस की मोहर लगी रहती है। सुपाई गांव के तार आज तक शहर की सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। यहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। गांव की सबसे नजदीकी सड़क भी करीब 8 मील दूर है। यहां तक पहुंचने के लिए या तो हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है या फिर खच्चर की। अगर हिम्मत हो तो पैदल चलकर भी यहां पर पहुंचा जा सकता है। सुपाई गांव में ग्रैंड कैनियन के गहरे राज छुपे हैं। ये गांव चारों ओर से बड़ी और ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। गहरी खाई में छुपा ये गांव करीब 1000 साल से आबाद है। यहां पर अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन रहते हैं। गांव में रहने वाली जनजाति का नामकरण गांव की खूबसूरती की बुनियाद पर हुआ है। हवासुपाई का अर्थ है नीले और हरे पानी वाले लोग। यहां के लोग गांव के पानी को पवित्र मानते हैं। मान्यता है यहां निकलने वाले फिरोजी पानी से ही इस जनजाति का जन्म हुआ है। गांव तक पहुंचने के लिए खारदार झाड़ियों के बीच से भूल भुलैया जैसी खाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए ये एहसास भी नहीं होता कि आगे स्वर्ग जैसी जगह का दीदार होने वाला है। गांव पूरी तरह से ट्रैफिक के शोर से आजाद है। खच्चर और घोड़े गांव की गलियों और पगडंडियों पर नजर आते हैं। इस गांव में भले ही शहरों जैसी सुविधाएं ना हो, लेकिन एक तसल्ली बख्श जिंदगी गुजारने वाली तमाम सहूलतें हैं। यहां पोस्ट ऑफिस है, कैफे है, 2 चर्च हैं, लॉज हैं, प्राइमरी स्कूल है, किराने की दुकानें हैं। यहां के लोग आज भी हवासुपाई भाषा बोलते हैं, सेम की फली और मकई की खेती करते हैं, रोजगार के लिए लच्छेदार टोकरियां बुनते हैं और शहरों में बेचने जाते हैं। टोकरियां बनाना यहां का पारंपरिक व्यवसाय है। गांव से शहर को जोड़ने का काम खच्चर गाड़ियों से होता है। गांव वालों की जरूरत का सामान इन खच्चर गाड़ियों पर ही लादकर लाया जाता है। कई सदियों से लोग इस अजीबोगरीब गांव को देखने आते रहे हैं। 20वीं सदी तक इस गांव के लोगों ने बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी थी, लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने करीब 100 साल पहले अपने गांव के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए खोल दिए। हर साल गांव में करीब 20,000 लोग यहां की कुदरती खूबसूरती और यहां की जिंदगी देखने के लिए आते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए सभी सैलानियों को हवासुपाई के ट्राइबल काउंसिल की अनुमति लेनी पड़ती है। फरवरी महीने से नवंबर तक सैलानी यहां के लोगों के साथ उनके घरों में रहते हैं। चांदनी रात में झरनों से गिरने वाले पानी की आवाज के साथ गांव की खूबसूरती का मजा लेते हैं। हवासुपाई गांव के लोगों की जिंदगी आसान बनाने वाले खच्चरों के लिए बीते कई दशकों से आवाज उठ रही है। सैलानियों की बढ़ती तादाद के कारण इन खच्चरों पर ज्यादा दबाव पड़ने लगा है। इनसे जरूरत से ज्यादा काम लिया जा रहा है। साइज घोड़े और खच्चरों को सेहत को नजरअंदाज कर बिना खाना पानी के 8 मील दूर तक चलाते रहते हैं। हालांकि ऐसा हर कोई नहीं करता, इसलिए हवासुपाई ट्राइबल काउंसिल ने ऐसे साइंसों की टीम बना दी है जो कारोबार में इस्तेमाल होने वाली सभी जानकारी की देखभाल करते हैं। ये 1 से 10 नंबर के पैमानों पर जानवरों को सेहत का सर्टिफिकेट देते हैं। एरिजोना यूं तो सूखा राज्य है। यहाँ की ग्रैंड कैनियन में बारिश बहुत कम होती है। सालाना बारिश 9 इंच से कम रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन यहाँ के 30,000 साल पुराने पानी के चश्मे कभी पानी की किल्लत नहीं होने देते। वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रेगिस्तान इलाके में फिरोजी पानी के झरने इतने सालों से
कैसे रमा है, पानी में ये फिरोजी रंग आखिर आता कहां से है। दरअसल यहां की चट्टानों और जमीन पर चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्थर पर पानी गिरने के साथ जब हवा मिलती है तो एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया होती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है। सूरज की रोशनी पड़ने पर ये पानी फिरोजी रंग का नजर आता है। यूरोपीय लोगों के अमेरिका आकर बसने से पहले हवासुपाई का रकबा लगभग 16 लाख एकड़ था, लेकिन इस इलाके के कुदरती जखीरे पर जब सरकार और सरहदी लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने यहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने यहाँ रहने वाली बहुत सी जनजातियों को जबरन उखाड़ फेंका। इनके हक के लिए हवासुपाई के आदिवासियों ने लंबी लड़ाई लड़ी। 1919 में अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने ग्रैंड कैनियन को नेशनल पार्क सर्विस का हिस्सा बनाया। सरकारी योजना के तहत यहाँ के बहुत से लोगों को रोजगार मिला, लेकिन इसके बावजूद अपनी जमीन के लिए इनकी लड़ाई जारी रही। 1975 में राष्ट्रपति रोजाल फोर्ड ने करार के तहत 1,85,000 एकड़ जमीन का कंट्रोल हवासुपाई के लोगों को दे दिया। आज यहाँ के लोग सिर्फ कैनियन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के जंगलों में शिकार करने का हक भी इन्हें मिला हुआ है। आज हवासुपाई की पहचान एक खुद मुख्तार सूबे के तौर पर है। यहाँ के लोग अपनी सरकार खुद चलाते हैं, ट्राइबल काउंसिल का चुनाव गांव के लोग करते हैं और अपने कानून खुद बनाते हैं। हाल के सालों में हवासुपाई पर सबसे बड़ा खतरा सैलाब का मंडरा रहा था। 2008 और 2010 में यहाँ जबरदस्त बारिश हुई थी जिसमें बहुत से सैलानी फंस गए थे। सुपाई को बाहर के इलाके से जोड़ने वाली पगडंडी भी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। 2011 में यहाँ के लोगों ने एरिजोना के गवर्नर के साथ अमेरिकी सरकार से आर्थिक मदद मांगी। सरकार ने इन्हें करीब 16 लाख डॉलर की आर्थिक मदद दी। हजारों साल से यहाँ सैलाब और सरहद पर रहने वाले आतंकवादी जैसे लोग आते हैं और हवासुपाई के लोग फिर भी सब्र के साथ रहते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि वो अपने पूर्वजों के घर में रहते हैं। यहाँ के झरने और जमीनों में उनके बुजुर्ग वास करते हैं, लिहाजा वो यहीं रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।